सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने काफी सारे मिस्टर पोकेमॉन्स को देखा होगा, बट क्या आप लोगों ने कभी ऐसे पोकेमॉन मूव्स को देखा जिनकी टाइपिंग आपको लगता है कि कुछ और होनी चाहिए थी या फिर कुछ और टाइपिंग इनको मिल सकती थी। मतलब कि जो टाइपिंग उन पोकेमॉन मूव्स को मिली है वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, एंड अगर कोई और टाइपिंग मिलती तो ज्यादा सेंस बनाती, यानी कि मिसटाइप्ड पोकेमॉन मूव्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 15 मिसटाइप पोकेमॉन मूव्स के बारे में बात करेंगे जिनकी टाइपिंग कुछ और हो सकती थी, एंड ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना रखा, तो डेफिनेटली आपको वीडियो में काफी मजा आएगा। शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, वर्ल्ड विंड। तो जब एक पोकेमॉन वर्ल्ड विंड का इस्तेमाल करता है तो कुछ हवा को क्रिएट करता है या फिर हमका टॉर्नेडो को क्रिएट करता है, एंड अगर आप वर्ल्ड विंड किसी वाइल्ड पोकेमॉन के ऊपर करते हो तो वो पोकेमॉन वहां से चले जाएगा, मतलब एक तरीके से वो बैटल एस्केप हो जाएगी। एंड अगर आप एक ट्रेनर के सामने इसको यूज करते हो तो उसका पोकेमॉन अपने आप स्विच हो जाएगा किसी भी रैंडम पोकेमॉन में। तो बस वर्ल्ड विंड का काम इतना ही है। तो अगर आप इसका नाम पहली बार सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले टाइपिंग फ्लाइंग टाइप आएगी, और आए भी क्यों ना, ये विंड के रिलेटेड है एंड इसके लर्न सेट में ज्यादा से ज्यादा फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। मतलब हर पोकेमॉन जो कि इसको लर्न कर सकता है उसमें से 85% तो फ्लाइंग टाइप्स है, बट नहीं, इसकी टाइपिंग फ्लाइंग टाइप नहीं है, इसकी टाइपिंग है नॉर्मल टाइप। और देखा जाए तो नॉर्मल टाइप में सिर्फ 3 ही पोकेमॉन इसको लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले पिजियोट की लाइन, सेकंड स्टारेप्टर की लाइन, एंड थर्ड ब्रेवरी की लाइन। और नोटिस करने वाली बात यह है कि ये तीनों ही पोकेमॉन नॉर्मल होने के साथ ही साथ फ्लाइंग टाइप भी है, और साथ में इसी की तरह काम करने वाले मूव्स यानी कि गस्ट एंड हरिकेन वो फ्लाइंग टाइप है, बट ये नहीं है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड है। नंबर 2, बाइट एंड क्रंच। तो इन दोनों ही पोकेमॉन मूव्स के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इनमें पोकेमॉन सिंपली बाइट करता है, मतलब ये काफी सिंपल सा मूव है जो कि ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकता है। एंड सिंपल मूव जैसे कि बॉडी स्लैम वगैरह भी नॉर्मल टाइप है, तो इसको भी नॉर्मल टाइप होना चाहिए, बट नहीं, इतने सिंपल से मूव को कहां पोकेमॉन कंपनी वाले नॉर्मल टाइप देते हैं, इसको मिली है डार्क टाइप। बल्कि अगर आप इसके लर्न सेट को देखोगे तो वहां पे आपको हर एक टाइपिंग के पोकेमॉन्स दिख जाएंगे, मतलब आपको वहां पे ऐसी कोई पर्टिकुलर टाइपिंग देखने को नहीं मिलेंगे जिस टाइपिंग के पोकेमॉन्स इसको ज्यादा लर्न करते हैं। और इनफैक्ट जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला जो बाइट मूव है जनरेशन 2 से पहले नॉर्मल टाइप मूव हुआ करता था, और उसके बाद जब डार्क टाइप इंट्रोड्यूस करवाए गए तो इसको नॉर्मल से चेंज कर डार्क टाइप कर दिया गया। अब इसको नॉर्मल टाइप से डार्क टाइप में चेंज करने का पर्पस मुझे सच में समझ नहीं आया, मतलब क्या ही जरूरत थी इसको चेंज करने की। नंबर 3, माइंड रीडर। तो अगर कोई पोकेमॉन माइंड रीडर का इस्तेमाल करता तो जो आपका नेक्स्ट टर्न होने वाला यानी कि नेक्स्ट मूव जो आप करने वाले उसको लगने के चांसेस 100% हो जाते हैं, मतलब जो मूव का आप यूज करने वाले उस मूव की एक्यूरेसी भले ही कम हो बट फिर भी उसकी एक्यूरेसी 100% हो जाती है इस मूव का इस्तेमाल करने से। तो ज्यादातर मूव जो कि माइंड से रिलेटेड होते वो साइकिक टाइप होते हैं, जैसे कि काम माइंड या फिर मैक्स माइंड स्ट्रॉन्ग। तो डेफिनेटली अगर हमको कोई टाइपिंग गेस करनी होती तो हम साइकिक टाइप को गेस करते हैं, बिकॉज इस टाइपिंग के अलावा किसी और टाइपिंग का इससे रिलेशन ही नहीं है, बट नहीं, ये साइकिक टाइप ना होकर नॉर्मल टाइप मूव है। अब ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, बिकॉज ऐसे 3 पोकेमॉन है जो कि साइकिक टाइप होकर इस मूव को लर्न करते हैं, एंड ऐसा एक भी पोकेमॉन नहीं है जो कि नॉर्मल टाइप हो और इस मूव को लर्न करता हो। नंबर 4, माइंड ब्लोन। तो अगर इस मूव का कोई भी पोकेमॉन यूज करता है तो उसका हेड एक्सप्लोड हो जाता है, एंड इससे सामने वाले पोकेमॉन की जितनी एचपी है उसकी कनेक्ट आधी एचपी कम होती है। तो अगर माइंड रीडर साइकिक टाइप नहीं हो सकता तो हम इस मूव का साइकिक टाइप होना कैसे गेस कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स साइकिक टाइप नहीं है, तो कोई और गेस करना होता तो ये नॉर्मल टाइप होता, बिकॉज माइंड रीडर भी नॉर्मल टाइप था, एंड इसमें नॉर्मल टाइप सेंस भी बनाता है बिकॉज ये एक्सप्लोड हो रहा है, एंड एक्सप्लोजन जैसे मूव को नॉर्मल टाइप मिला है, बट नहीं, ये नॉर्मल टाइप भी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा हम गेस कर सकते हैं कि ग्राउंड टाइप हो या फिर रॉक टाइप हो, बट नहीं, इनमें से किसी भी टाइपिंग को ये मूव बिलोंग नहीं करता है, बल्कि एक फायर टाइप मूव है। नंबर 5, रॉक स्मैश। तो इस मूव के नाम से आप जान सकते हो कि एक पोकेमॉन रॉक को स्मैश करके सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर अटैक करता है, मतलब काफी सारे पत्थर सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर फेंकता है। तो मेरा सबसे पहला गेस रॉक टाइप होगा, बिकॉज सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर ये रॉक से अटैक करता है, एंड इसके नाम में भी रॉक आता है, बट नहीं, ये रॉक टाइप नहीं है। तो मेरा सेकंड गेस हो सकता है ग्राउंड टाइप, बट नहीं, ऑफकोर्स ग्राउंड टाइप का भी कहां होना है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये फाइटिंग टाइप हो सकता है, और हाँ, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ये फाइटिंग टाइप ही होना है, भले इसके नाम में रॉक आता हो बट ये फाइटिंग टाइप ही है। नंबर 6, टेल ग्लो। तो टेल ग्लो का इस्तेमाल करते ही आपके पोकेमॉन का स्पेशल अटैक 2 स्टेजेस से बढ़ जाता है, और इसके नाम से आपको पता चलता होगा कि एक पोकेमॉन अपने टेल को ग्लो करता है यानी कि लाइट अप करता है। और पोकेमॉन एनीमे के अंदर एम्फरोस पोकेमॉन अपने टेल को ग्लो कर पूरे लाइट हाउस को लाइट अप करता था, तो मेरे हिसाब से ये इलेक्ट्रिक टाइप मूव हो सकता है। और इसके लर्न सेट में भी 3 पोकेमॉन इसको लर्न करते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रिक टाइप भी है जो कि सर्किट्री, बट नहीं, इलेक्ट्रिक टाइप मूव नहीं है बल्कि एक बग टाइप मूव है। बग टाइप से अच्छा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप या फिर फायर टाइप सूट करता था, बट इसको लास्ट में क्या मिला, बग टाइप, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है।
नंबर 7 बाउंस। तो बाउंस को आप एक तरह से हाई जंप किक या फिर स्प्लैश का सेकंड वर्जन मान सकते हो, क्योंकि इस मूव के अंदर एक पोकेमॉन जंप करके सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर एक फिजिकल अटैक करता है। तो क्योंकि हाई जंप किक एक फाइटिंग टाइप मूव है एंड ये भी एक फिजिकल मूव है, तो मेरे ख्याल से फाइटिंग टाइप मूव हो सकता है, और अगर फाइटिंग नहीं है तो नॉर्मल टाइप। बट नहीं, इन दोनों में से ये कोई भी टाइपिंग से बिलोंग नहीं करता, बल्कि एक फ्लाइंग टाइप मूव है। अब इससे पहले कि आप लोग बोलो कि एक पोकेमॉन फ्लाई करके सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर अटैक करता है, तो ऐसा नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक फिजिकल अटैक है, यानी कि जंप करके सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर अटैक करता है। और दो ही ऐसे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जो कि इनको लर्न कर सकते हैं। सबसे पहला जंप लव, सेकंड है मैंटाइन जो कि पार्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। ये दोनों ही पोकेमॉन फ्लाई करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। नंबर 8 साइकअप, एक ऐसा मूव जिसके नाम में साइक आता है, जो कि साइकिक से लिया गया है। और साइकिक टाइप के अलावा एक दो ऐसे पोकेमॉन्स है जो कि इस मूव को लर्न करते हैं, बाकी के सारे साइकिक टाइप है, तो ऑफ कोर्स ये तो साइकिक टाइप होना ही चाहिए। बट हाँ, क्योंकि हम इसमें मिस टाइप पोकेमॉन मूव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये साइकिक टाइप नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल टाइप मूव है। पता नहीं इस मूव को बनाते वक्त पोकेमॉन वाले क्या सोच रहे थे, सबसे पहले इसके नाम में साइ डाल दिया एंड उसके बाद साइकिक टाइप पोकेमॉन्स को ये मूव दे दिया, बट एट लास्ट इसको नॉर्मल टाइपिंग दे दी। नंबर 9 थ्रोट चॉप। तो इस मूव के नाम से आप लोग जान सकते हो कि एक पोकेमॉन सामने वाले पोकेमॉन के थ्रोट पे अटैक करता है, यानी कि गले पे अटैक करता है, और इसको यूज करने के बाद सामने वाले अपोनेंट को डैमेज होता है एंड वो कोई भी साउंड बेस्ड मूव को यूज नहीं कर सकता अगले दो टर्न्स के लिए। अब इस मूव के लिए मेरे दिमाग में दो ही टाइपिंग आती है। अगर सबसे पहला जो गैस होगा वो होगा मेरे लिए फाइटिंग टाइप, क्योंकि ज्यादातर जो फिजिकल मूव्स होते हैं वो फाइटिंग टाइप होते हैं एंड इसी के रिलेटेड एक मूव है जो कि कराटे चॉप, वो भी फाइटिंग टाइप है, और कुछ फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स भी है जो कि इसको लर्न कर सकते हो, तो ऑफकोर्स ये तो फाइटिंग टाइप होना ही चाहिए। बट जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ये फाइटिंग टाइप नहीं है, तो फाइटिंग टाइप नहीं है तो ये मेरे ख्याल से नॉर्मल टाइप होना चाहिए, बिकॉज काफी सारे फिजिकल मूव्स नॉर्मल टाइप भी होते हैं। नहीं, ये मूव इन दोनों में से कोई भी टाइपिंग का मूव नहीं है, बल्कि एक डार्क टाइप मूव है जो कि इसके ऊपर बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। और डार्क टाइप में सिर्फ एक ही पोकेमॉन है जो कि इसको लर्न कर सकता है एंड वो पोकेमॉन है इंसिनरॉर, जो कि फिजिकल पोकेमॉन है। मतलब डार्क टाइप से ज्यादा तो ये फाइटिंग टाइप दिखता है, भले इसको फाइटिंग टाइप मिली ना हो। नंबर 10 डुअल चॉप। तो मैं थ्रोट चॉप एंड डुअल चॉप को एक साथ रख सकता था, बट इन दोनों की टाइपिंग बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ पे थ्रोट चॉप एक डार्क टाइप मूव है, कराटे चॉप एक फाइटिंग टाइप मूव है एंड वहीं पे डुअल चॉप एक ड्रैगन टाइप मूव है। मतलब लिटरली ये तीनों ही मूव्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट तीनों को ही अलग अलग टाइपिंग मिली है। एक बार के लिए इन तीनों ही मूव्स को एक ही टाइपिंग मिली होती, चाहे वो ड्रैगन ही होती, तो मैं इनको लिस्ट में नहीं लेता, बट इन तीनों को अलग अलग टाइपिंग मिली है जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। नंबर 11 थंडरस किक। तो थंडरस किक एक जनरेशन 8 का मूव है जो कि गलारियन ज़ेप्डोस का सिग्नेचर मूव है, और इस मूव का इस्तेमाल करने के बाद गलारियन ज़ेप्डोस सामने वाले अपोनेंट के ऊपर काफी तेजी से एक किक मारता है। तो ऑफ कोर्स मेरा एंड आपका भी यही गैस होगा कि ये इलेक्ट्रिक टाइप मूव है, क्योंकि थंडर गेज, थंडर पंच एंड थंडर फैंग अगर इलेक्ट्रिक टाइप है तो शायद ये भी हो सकता है, बट ये इलेक्ट्रिक टाइप नहीं है। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम मिस टाइप पोकेमॉन मूव्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो गलारियन ज़ेप्डोस की भी टाइपिंग बदली थी, जो कि हो गई थी फाइटिंग एंड फ्लाइंग टाइप, तो मेरे हिसाब से ये फाइटिंग टाइप मूव हो सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स ये फाइटिंग टाइप है, बट हर एक मूव के तरह ये थोड़ा बहुत सेंस बनाता है, बिकॉज ये किक मारता है जो कि एक फिजिकल मूव है। नंबर 12 नेचर्स मैडनेस। तो नेचर्स मैडनेस जनरेशन 7 का मूव है एंड ये सिग्नेचर मूव है सारे के सारे गार्डियन डाइटीज का, और अगर हम इस मूव का इस्तेमाल करते हो तो सामने वाले पोकेमॉन के जितनी एचपी है उसकी आधी एचपी का डैमेज पड़ेगा। और जैसे कि इसके नाम में नेचर आता है, तो नेचर ग्रास टाइप को इंडिकेट करता है, तो मेरे हिसाब से ग्रास टाइप होना चाहिए, ग्रास टाइप नहीं तो ज्यादा से ज्यादा वाटर टाइप या फिर रॉक टाइप, क्योंकि ये भी नेचर में ही आते हैं। तो आप लोग भी यही सोचते होगे कि इन तीनों में से एक टाइपिंग इसको मिली होगी, खासकर ग्रास टाइप, बट नहीं यार, ये एक फेरी टाइप मूव है। अब इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो सारे के सारे गार्डियन डाइटीज है वो टाइप एंड वही सारे पोकेमॉन्स जो कि इस मूव को लर्न करते हैं। नंबर 13 रोल आउट। तो रोल आउट एक जनरेशन 2 का डैमेज डीलिंग मूव है, और ये भी काफी सिंपल सा एंड फिजिकल मूव है। इस मूव के अंदर एक पोकेमॉन रोल करने लगता है एंड सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर 4-5 टर्न के लिए अटैक करता रहता है, और पोकेमॉन एनीमे के अंदर हम मिल्क टैंक की वजह से इस मूव को जानते हैं, जो कि एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। तो हम यहाँ पे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल टाइप हो, बट ऑफ कोर्स इसको नॉर्मल टाइप तो होना ही नहीं है, बल्कि इस मूव की टाइपिंग रॉक टाइप है जिसका इससे कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ काफी सारे पोकेमॉन है जो कि रॉक टाइप में इसको लर्न करते हैं, बट रॉक टाइप से इसका कनेक्शन ही नहीं है। नंबर 14 स्वॉर्ड डांस। स्वॉर्ड डांस के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इस मूव को यूज करने के बाद पोकेमॉन की फाइटिंग स्पीड बढ़ जाती है, और जिस पोकेमॉन ने इसको यूज किया उसके अटैक स्टैट्स बढ़ जाते हैं। अभी एक फाइटिंग डांस है, तो मेरे हिसाब से फाइटिंग टाइप होना चाहिए। नहीं, ये फाइटिंग टाइप नहीं है, तो मेरे हिसाब से स्टील टाइप होना चाहिए अगर फाइटिंग टाइप नहीं है, क्योंकि जब एक पोकेमॉन इस मूव को इस्तेमाल करता है तो उसके आजू बाजू काफी सारे स्वॉर्ड आ जाते हैं एंड इसके नाम में भी स्वॉर्ड आता है जो कि स्टील की बनी हुई होती है, बट ये स्टील टाइप मूव भी नहीं है। जो इसको फाइनल टाइपिंग दी गई थी वो थी नॉर्मल टाइप। और फाइनली नंबर 15 मॉर्निंग सन। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर मूनलाइट मूव को लिया था एंड ये मूव उसी का काउंटर पार्ट है। तो इस मूव को यूज करने के बाद हमारी आधी एचपी हील हो जाती है सनलाइट का यूज करके। अब जो ज्यादातर मिस टाइप टाइपिंग थी वो नॉर्मल टाइप थी, तो मेरे हिसाब से ये भी नॉर्मल टाइप ही होगी। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।